बहरोर नगर पालिका में सोमवार को आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक मात्र 5 मिनट में ही संपन्न हो गई। साथ ही इस बैठक में पत्रकार को भी सभागार में प्रवेश नहीं करने दिया। वार्ड नंबर 30 से बीजेपी के वार्ड पार्षद ओम यादव ने बताया कि बहरोर नगर पालिका जब से बनी है तब से लेकर आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 5 मिनट में ही साधारण सभा की बैठक संपन्न हो गई हो। साथ ही अपनी कमियों को छुपाने के लिए मनमर्जी की गई और बैठक में पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। साथ ही बैठक में बीजेपी के किसी भी पार्षद को नहीं बोलने दिया, एक रश्म अदायगी की गई। साथ ही नगर पालिका ईओ द्वारा सभी प्रस्ताव पढ़े गए और उसके बाद बैठक को खत्म कर दिया गया। पार्षद ओम यादव ने बताया कि सत्ता पक्ष में होते हुए विपक्ष व जन समस्या के जो मुद्दे थे उनको मंच पर ही नहीं रखने दिया और 7 महीने बाद यह बैठक हुई जिसने कस्बे में जनता की समस्याओं, पानी, सड़क, गंदगी आदि मुद्दों को दूर रखा। इस मुद्दों को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी लेकिन बगैर चर्चा किए बैठक को समाप्त कर दिया गया। ना ही नगरपालिका चेयरमैन ईओ पार्षदों के बात सुनी। हम लोग बैठक का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि बहरोर नगरपालिका बैठक पिछले 7 महीने से नहीं होने से लोगों की समस्या थी जिनको पार्षद बैठक में रखते हैं लेकिन साधारण सभा की बैठक को 5 मिनट में ही समाप्त कर दिया गया। वहीं नगरपालिका चेयरमैन सीताराम यादव ने बताया कि आज हुई साधारण सभा की बैठक में सर्व संबंधित से बैठक में उठाए मुद्दों पर सहमति दी जबकि पार्षद ओम यादव ने तो दो तीन बिंदुओं पर ही असहमति जताई है। हम नगरपालिका के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहरोर नगरपालिका बनी है उससे लेकर और आज तक का सबसे काला दिन है। बैठक के नाम के ऊपर यहाँ पर मनमर्जी चलाई गई है। सबसे पहले तो बैठक के अंदर पत्रकारों को नहीं घुसने दिया। स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके ऊपर इन्होंने जो है अतिक्रमण किया है, उसके ऊपर जो है दबाव दिया है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा इशू ये रहा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षदगण थे उनको किसी को भी नहीं बोलने दिया। एक रस्म अदायगी की गई, नगरपालिका ईओ द्वारा सारे प्रस्ताव पढ़े गए और उसके बाद बैठक को संपूर्ण मान ली गई। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता बहुमत में होते हुए भी विपक्ष की और जन समस्याओं के जो मुद्दे थे हमारे उनको किसी को भी मंच पे नहीं रखने दिया। 7 महीने बाद में ये बैठक हुई और इस बैठक के अंदर जनता के जो पूरा शहर के अंदर जो शहर का हालात हो रहे हैं उन हालातों को ऊपर चर्चा करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी। पर साधारण सभा की बैठक मात्र 5 मिनट के लिए सिर्फ रस्म अदायगी के लिए हुई। पूरे अधिकारी, इसकी जिम्मेदारी ईओ की बनती थी कि बहुत अच्छे से चर्चा करे। चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि आए हुए सब पार्षदों की बात को सुने, जन समस्याओं को सुने, पर उन्होंने किसी तरह की भी बातचीत चर्चा नहीं की गई। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जो है नगर पालिका का इतिहास का ये सबसे काला दिन है और इसके लिए जो है हम कड़े शब्दों में इस बात का खंडन करते हैं और निंदा करते हैं इस बोर्ड की। और भारत माता की। आज मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है? देखिए, आज नगर पालिका की साधारण सभा की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे 4-5 एजेंडे थे जिसको हमने सर्वसम्मति से 41 मेंबर हैं उनमें से जो उपस्थित हैं उनमें हमारे भाई, हमारे पार्षद ओम जी ने एक दो विषय पे अपनी असहमति प्रदान की है। बाकी 100% बहुमत के साथ और सभी ने सबकी सहमति प्रदान हमें एजेंडे के पक्ष में दी है। चाहे वो एक अनुकंपा नियुक्ति थी, हमारे एक मंगल कर्मचारी एक्सपायर हो गया था उसके एवज में, दूसरा हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो था इसके लिए हमने कुछ कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव रखे।